ये आया हुआ एमएमडी वाले के घुराया हुआ रोड पे बैठा हूँ ना आखिरकार शहर के रास्तों के गड्ढों को डांबर से भरने के कार्य की शुरुआत की गई है और डांबरीकरण के कार्य की शुरुआत उल्लासनगर कैंप 5 के नेताजी चौक से शुरू की गई है। डांबरीकरण का काम शुरू हुआ यहाँ पर क्या है अभी शहर में कहाँ कहाँ पे होगा? सारे जो गणपति रूट से सारे हम लोग पाटोल पैचवर पूरे करेंगे, जितने भी गणपति रूट से सारे पाटोल और पैचवर पूरे करेंगे। फिलहाल ये कैंप 5 के नेताजी चौक से शुरू किया जा रहा है, चालू किया है। ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई दही हंडी का प्रोग्राम है बहुत बड़े नेता का, इस वजह से यहीं से शुरू हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही सारे पाटोल भरने बिफोर गणपति वी हैव टू फिल ऑल द पाटोल, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। सारे हम लोग जितने भी हैं रोड्स जो मेन रोड से सारे के सारे पाटोल फिल करेंगे। अभी दूसरा लोड कौन सा है? थोड़ा भारी माल लाओ, एसबीएम लाओ, कामले को बुला, कामले के तो कामले एसबीएम लाओ, एसबीएम ही करो, ठीक है। हाँ क्या ला है? अभी तो ये गाड़ी कौन सा इसका सैंपल? अरे ये बाकी जा इन्हें सैंपल करने, थोड़ा पन्नी में डाल के सैंपल तो सैंपल करे पन्नी में करे, मुझे गार्डन में पहुंचा एलबीएम थोड़ा भारी लाओ, एक नंबर मेडल लाओ, ठीक है। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रख्या वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हां जो जीवन साथी तव्हां जो इंतज़ार कंदो हुजे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने सुना उल्लासनगर महानगर पालिका के पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर तरुण शेवकानी, उन्होंने बताया कि गणेश उत्सव को देखते हुए रास्तों के गड्ढों को भरने का कार्य आज से शुरू किया गया है, जो उल्लासनगर कैंप 5 के नेताजी चौक से इसकी शुरुआत हुई है, जहाँ मनपा के इंजीनियर तरुण शेवकानी वहाँ पहुँचे थे और ठेकेदार की तरफ से जो डांबरीकरण किया जा रहा है काम के क्वालिटी जाँच के लिए वहाँ से सैंपल लेने की बात भी कही। शहर के रास्तों पर गड्ढे भरने का कार्य शुरू होने पर समाजसेवी नरेश कुमार टेलरामाणी की तरफ से महापालिका की प्रशंसा तो की गई, पर अपने अंदाज में मनपा अधिकारियों और शहर के नेताओं को आड़े हाथ भी लिया गया है। आइए जानते हैं नरेश कुमार टेलरामाणी जी का क्या है कहना। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने नेताजी से पोथोल्स का काम शुरू किया है। हम समझ सकते हैं यहाँ पे बड़े नेता की दही हंडी है, इसके लिए शुरू किया हुआ, लेकिन अच्छी बात है। हम न दही अंडी के खिलाफ है न काम के खिलाफ है, अच्छा हो रहा है। लेकिन सवाल है यहाँ पे, अब ये कह रहे हैं कि हम गणपति आ रहा है उसके लिए भी कर रहे हैं, बहुत वो भी बहुत अच्छी बात है। गणपति महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा त्योहार करके मनाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारा चालिया साहब जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर है, उसके लिए ये लोगों ने पोथोल्स क्यों नहीं भरा था? आज तक पूरे शहर में इतने गड्ढे हैं, स्कूटर वाले चलते हैं, उनको इतनी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उनकी पीड़ा इनको क्यों नहीं दिखी? अभी तक क्यों नहीं शुरू किया था? पूरा दिन भर रिक्शा वाले अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पे चलाते रहते हैं, रात को उनकी हालत ऐसी हो जाती है, उनकी पीठ टूटती रहती है, उनके लिए इन्होंने क्यों नहीं सोचा, अब क्यों सोचा? सवाल ये है, काम हो रहा है बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन समय के हिसाब से होना चाहिए। आज तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक तो खाली ये बताया जा रहा था कि ये पैसे नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, सब है, इच्छा शक्ति नहीं है। कमिश्नर साहब को सोचना चाहिए कि शहर की हालत बहुत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, काम करना है तो बहुत अच्छी तरह से करो, चूकपट्टी वाला काम मत करना। हमने चालिया उत्सव को लेकर अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि उस समय मानसून बारिश हो रही है, इस वजह से हमने नहीं। ये एक और बड़ा झूठ है,
क्योंकि मानसून शुरू हुआ, चालिया हर बरस होता है, हर बरस मानसून में ही होता है। अगर उनको करना था तो फरवरी में उनका टेंडर निकलना चाहिए, मई के अंदर वो काम हो जाना चाहिए था। इन्होंने 24 जून को ठेका दिया है, 24 जून को अगर पोथोस भरने का ठेका देंगे तो बारिश आ जाती है, जो माल मटेरियल डालेंगे वो तुरंत निकल जाता है। तो फिर मानसून में क्यों काम करते हैं, मई में क्यों नहीं करते, अप्रैल में क्यों नहीं करते? क्या उस समय पैसों की कमी रहती है? क्यों नहीं फरवरी में इन्होंने टेंडर निकाला, क्यों जून में टेंडर अलॉट किया? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, सवाल या निशान है। देखिए, हम जातिवादी के फेवर में नहीं है, मैं कहां पे भी जातिवादी नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। गणपति का सन आ रहा है, वो हमारा भी सन है, होना चाहिए। दही हंडी है, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, होना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं इशारा करता है एक तरफ कि आप ऐसे क्यों पक्षपात करते हो। तो आपको क्या लगता है, अधिकारी केवल नेताओं के इशारों पे काम करते हैं? बिल्कुल 100% लगता क्या है, दिख रहा है। अगर उनको लोगों की पीड़ा समझ में आती थी, जो रिक्शा वाले दिन भर रोजी रोटी कमाने के लिए गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर वाले बाइक वालों की पीठ दुखती है, लोग गिरते हैं, मरते हैं, तभी इनको जाग नहीं आती है, अब जाग आ गई तुरंत। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। शहरवासियों, जागो और देखो शहर के साथ क्या हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।